महिमा तेरी अपरंपार, विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार, विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। अक्षत पुष्प चढ़ाए हम, करे आरती श्रद्धा से हम, गुरु प्रीति ना होवे कम। जिसके घर में वास तुम्हारा, प्रभु सदा है उसके पास, तेरे पूजन से बढ़ता है हरि भक्ति में दृढ़ विश्वास। काल तुमको जल अर्पित करता है जो नित्य प्रणाम, परिक्रमा तुलसी की करता उसके होते पूरण का। तेरी अपरंपार, विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार, विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। अक्षत पुष्प चढ़ाए हम, करे आरती श्रद्धा से हम, गुरु प्रीति ना होवे कम। जिसके घर में वास तुम्हारा, प्रभु सदा है उसके पास, तेरे पूजन से बढ़ता है हरि भक्ति में दृढ़ विश्वास। काल तुमको जल अर्पित करता है जो नित्य प्रणाम, हमारे अंगन मैया बाबा बापू, हमारे अंगन मोरे बापू, बैठा अंगन मैया अंगन सुंदर लागे अंगन सुंदर। भगवान का दर्शन पाएगा। मंगलम ओंकार मंगलम, तुलसी मंगलम, गुरुदेव मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम। बापूजी ने हम लोगों को प्रेरणा दी है तुलसी पूजन दिवस मनाने के लिए। हमारे संस्कृति की रक्षा तभी हो सकती है जब हमारे जैसे युवा अपनी संस्कृति को पहचाने और इसका अनुपालन करें, और इस तुलसी पूजन दिवस के माध्यम से और एक और जो मातृ पितृ पूजन दिवस है, इन दोनों पर्वों के माध्यम से बापू जी ने हमारे ऊपर ऐसी कृपा की है कि हम अपने संस्कृति के बारे में और जाने, जागरूक हों और इसको और लोगों तक भी पहुँचाने का काम करें। हमारे ऋषि मुनियों ने इसको बहुत ज्यादा संजोया है, यहाँ तक कि अगर हम लोग सुबह तुलसी के पांच पत्ते खाते हैं, ये मैं ऐसे बच्चों को पहले ही बताया हुआ है कि अगर वो बच्चे पांच पत्ते सुबह खाते हैं, जो बच्चे नहीं खा पाते हैं वो शहद के साथ अगर इसको खाते हैं तो उन्हें
सारी उम्र यानी कि पूरी जिंदगी उनको ज्वर खांसी जुकाम जैसी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। याद करने की शक्ति है वो बहुत तेज हो जाती है। तुलसी का पत्र खाने से सबसे बड़ी औषधि गुण ये है कि बच्चों का दिमाग इधर उधर नहीं भटकता है, वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बहुत आसानी से जाते हैं और वो एक सफल जीवन जीते हैं। तुलसी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाती है। ये हमें सारी बीमारियों से ऑक्सीजन हमें बचाती है, ऑक्सीजन देती है, स्वच्छ वायु देती है। इसमें 25 दिसंबर को एक मुहिम चला है, काशी की तुलसी दिवस में मनाया जा रहा है। उसके लिए हम और मेरे स्कूल के सभी छात्र छात्राएं इसमें अपने बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उसके लिए मैं सभी लोग का यहाँ पर धन्यवाद करती हूँ। इसको हमें अपने घर में भी करना चाहिए, इससे हमारी मन की हमारा मन एकाग्र होता है। जानते हो कि हिंदू धर्म में तुलसी जी का पूजा क्यों किया जाता है? क्योंकि तुलसी जी ऐसे एक पौधा है, कई बीमारियों 10-20 नहीं 100 नहीं कई 100 बीमारियों की औषधि है। और इनके घर में इनको घर में रखने से पर्यावरण शुद्ध होता है। तुलसी के पौधे को हर हिंदू अपने घर में लगाता है, शाम सवेरे पूजन करता है, दीपक जलाता है। हम आप सभी लोगों के आभारी हैं कि आप लोग हमारे विद्यालय के बच्चों को यह ज्ञान हमेशा देती रहती हैं। धन्यवाद। तुलसी दिवस मनाना है और हमको यह त्यौहार बहुत अच्छा लगा। तुलसी पूजन बहुत अच्छा लगा, हम इससे बहुत कुछ सीख गए। हमें तुलसी का पौधा हमेशा अपने घरों में लगाना चाहिए। हमें तुलसी दिवस बहुत अच्छा लगा और ये बहुत कुछ सीखने के लिए बहुत मिला। और हम चाहते हैं कि हर साल ये तुलसी दिवस मनाया जाए और हर स्कूल और घरों में मनाया जाए और इसकी हमें रोज पूजा करनी चाहिए। बहुत ही अच्छा, हमें कई बीमारियों से बचाता भी है। तुलसी जी से हमें बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली हैं और मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा होती रहे और घर पे सूर्य नमस्कार और हर एक चीज़ करनी चाहिए। और तुलसी जी से 800 प्रकार की बीमारियों का भी निवारण होता है। हम हमेशा पूजा करेंगे इसकी और कॉलोनी सब में सबको बताएंगे कि हमें हमेशा इसका पूजा करना चाहिए, इसके 4 से 5 पत्ते खाने चाहिए। हम हिंदू हैं, हिंदू संस्कृति के अनुसार तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी जी के कुछ जल है अगरबत्ती दिखाना है और उनके प्रसाद के रूप में एक एक से लेकर के 5 पत्तियां लेकर के सुबह चढ़ाते हैं, मुँह में डाल लेते हैं तो तमाम बीमारियां दूर हो जाती है। तुलसी दिवस के रूप में 25 दिसंबर को प्रत्येक भैया बहन को प्रत्येक लोगों को मनाना चाहिए। तुलसी के पत्ते दही के साथ खाने से ब्लड कैंसर ठीक हो जाता है, वो बिल्कुल सत्य है, वो घर की बात है। सारे लोग शराब मांस मीट मछली में डूबे रहते हैं उस दिन, वो हमारी हिंदुओं की परंपरा नहीं है, हिंदुओं की संस्कार नहीं है। उस दिन हम 25 तारीख को तुलसी पूजन दिवस और 14 तारीख को मातृ की पूजन दिवस अवश्य मनाएं, ये हमारा संस्कार है। योग वेदांत सेवा समिति संस्था महिला उत्थान ट्रस्ट की बहनों ने पूरे गोरखपुर ही नहीं गोरखपुर के बाहर भी सारे स्कूलों में कॉलेजेस में विश्वविद्यालय में ऑफिसेज में तुलसी अभियान की जो भी क्रिया की है वो बिल्कुल सराहनीय है।